राष्ट्रीय सेवा भारती द्वारा आयोजित वार्षिक उत्सव रविवार को आर्यनगर स्थित सरस्वती विद्या मंदिर में संपन्न हुआ। वार्षिक उत्सव के मुख्य अतिथि चौरी चौरा की विधायक संगीता यादव और अन्य अतिथि डॉक्टर महेंद्र अग्रवाल, नवल किशोर, डॉक्टर पृथ्वी राज सिंह और प्रेमचंद गौड़ ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर वार्षिक उत्सव का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सेवा भारती के विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि चौरी चौरा की विधायक संगीता यादव ने कहा कि राजनीति में वही लोग कदम रखते थे जिनको समाज के लिए कुछ करना होता था। सेवा भारती से जुड़े सभी लोग तन मन धन से इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। भारत को एक सशक्त देश के रूप में कैसे आगे बढ़ाया जाए, उस पर हम बहनों से कहना चाहेंगे कि प्रत्येक बहन सबसे पहले अपने घर के बुजुर्गों की इज्जत करे और सेवा करे, जिससे समाज में स्थापित वृद्धा आश्रम देखने को ना मिले। हम मंदिर में जाते हैं, भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन अगर हम अपने घर के बड़े बुजुर्गों की सेवा नहीं करते हैं तो मंदिर में पूजा करना बेकार है। हम पहले अपने घर के बुजुर्गों की इज्जत करें और उन्हें सम्मान दें, उनकी सेवा करें, तभी हम समाज की सेवा कर सकते हैं। Yeah.
गिनती रहता है, लेकिन मैंने खुद देखा है कि सेवा भारती के काम को कितना मन से करते हैं। और मेडिकल कैंप के लिए तो मैं देखती हूँ कि आधा दिन जिस दिन कैंप लगने वाला होता था मैं उसमें उपस्थित रहती थी, आधा दिन आपका कैंप के मामले में कौन डॉक्टर कहाँ जाएगा, क्या दवाइयाँ जाएंगी, कितना क्या, इतनी ज़्यादा व्यस्तता मैंने उनकी देखी हुई है। तो मैं उनका भी बहुत दिल से दिल की गहराई से स्वागत करती हूँ। यहाँ उपस्थित महानगर के अध्यक्ष श्री अनंत प्रकाश जी का भी स्वागत करती हूँ। यहाँ उपस्थित सभी मेरे गणमान्य भाई बहन, मैं सभी लोगों का स्वागत करती हूँ और मंच का बहुत ज़्यादा सुंदर संचालन करने वाले डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव का भी स्वागत करती हूँ। मैं चूँकि राजनीतिक मंच नहीं है और नेताओं को तो माइक मिल जाए तो बोलना अच्छा लगता ही है, और चूँकि बच्चों का कार्यक्रम मैं इसलिए ज़्यादा नहीं बोलूँगी। मैं राजनीति में पहले कभी भी कोई भी काम होता तो सेवा भाव से ही राजनीति का उद्देश्य भी होता है। आजकल थोड़ा राजनीति की परिभाषा चेंज हो गई है, लेकिन राजनीति में पहले वही लोग पैर रखते थे जिनको वाकई में समाज के लिए कुछ करना होता था। आज भी ऐसे लोग हैं तभी कुछ संचालन चल भी रहा है। सेवा भारती के लिए के कामों को से मैं खुद हर प्रकार से जुड़ी हुई हूँ तो मुझे खुद पता है कि इसमें जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो कितना तन मन धन से इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। सबका उद्देश्य एक ही है, भारतवर्ष को एक सशक्त राज्य के रूप में, सशक्त देश के रूप में कैसे आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि हम सब लोग पूर्वांचल में, तो पूर्वांचल में मैंने देखा कि चौरीचौरा विधानसभा भी बहुत विकसित क्षेत्र नहीं है, बहुत बिहार के लिए आता है। मैंने देखा सेवा भारती के प्रकल्प को जब मैंने वहाँ शुरू किया, मेडिकल कैंप से वहाँ मैंने अपना पहला काम शुरू किया था, उसकी जरूरत कितनी ज़्यादा है लोगों को। मैं उन घरों में भी गई हूँ जहाँ 100 रुपये के इलाज के लिए भी देहात होते देखा है मैंने। मैं सेवा भारती के उन सभी अपने भाई बहनों को, जो शब्द नहीं है मेरे पास कि मैं उनको धन्यवाद जैसा छोटा शब्द इस्तेमाल कर सकूँ, जो इतना अपना कीमती समय देकर मेडिकल कैंप को चला रहे हैं, रोजगार सृजन कर रहे हैं। मैंने ऐसे बहुत से परिवार देखे हैं जो सेवा भारती के माध्यम से, मैंने ऐसे बहुत से परिवार देखे हैं जो सेवा भारती के माध्यम से रोजगार प्राप्त कर रहे हैं और उन परिवारों में अपने क्षेत्र के प्रति, अपनी संस्था के प्रति इतना सम्मान जो बढ़ रहा है, इससे एक पूरे हम पूर्वांचल, सशक्त यूपी, सशक्त भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहूँगी, यहाँ मेरी बहनें उपस्थित हैं और चूँकि मैं भी एक महिला हूँ तो कुछ बातें मैं अपनी महिला बहनों से निवेदन के रूप में ही कहना चाहूँगी। सेवा का मतलब, मैं बहुत मंदिरों में जाती हूँ तो देवी माई के मंदिर में बड़ी भीड़ रहती कि नहीं, कोई बात हो गई माता इतना कपूर जला देंगे, माता ये कर देंगे। और बहुत गांव में जाती हूँ, चाहे वृद्धा आश्रम खुल रहे शहरों में, मैं यहाँ अपने सभी बहनों से कहूँगी सेवा का मतलब मंदिर में जाके सेवा करने नहीं। अगर हमारे बड़े बुजुर्गों को हम सेवा नहीं दे पा रहे हैं तो वह हमारी पूजा बेकार है, वैष्णो देवी में जाना बेकार है, वैष्णो देवी जाना बेकार है। और वहाँ की पूजा तभी सफल है जब हमारे घर के बड़े बुजुर्ग उसे खुश हों। तो मैं अपने बहनों से कहना चाहूँगी कि अगर हम आज इस कार्यक्रम में आए हैं तो कम से कम इतना तो संकल्प अपने अंदर लें कि पहली सेवा अपने घर के बड़े बुजुर्गों की, और जरूरी नहीं अपने पास पड़ोस के बड़े बुजुर्ग के भी हम कोई भी काम आ सके, तो मैं कहूँगी कि हमारा जीवन सफल रहेगा। और मैं अपने क्षेत्र में भी हमेशा लगी रहती हूँ, कहीं भी होता है तो मैं अपनी महिलाओं जो मेरा लेवल होता मैं करके जाती हूँ और प्रयास ये करती हूँ कि बस हर बुजुर्ग की आंखों में ये दुख ना हो कि अरे इतने बच्चे हैं, खाने का नहीं है, कपड़ा नहीं है, मूलभूत आवश्यकताएं नहीं है, पूरी नहीं हो पा रही है। अगर हम थोड़ा भी सफल हो सके और एक भी वृद्धा आश्रम बंद करवा सके अपने प्रयास से, तो मैं कहती हूँ हमारी संस्था का काम भी सफल होगा और हमें भी अपने मानव होने पर बहुत गर्व होगा। और मैं मेरे भाई बंधु भी यहाँ अपने आप लोगों से भी जो कहना चाहूँगी, बहुत क्योंकि पुलिस कचहरी का काम दिन भर हम लोग का रहता कोई ना कोई, उसमें घरेलू हिंसा बहुत आती है, आप लोग तो शिक्षित हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि समाज में हम उस वर्ग में आ चुके हैं कि अब हमें अपने समाज को हमें देना चाहिए। मैं मानती हूँ कि हमें ईश्वर ने उस पैदा में ला के खड़ा कर दिया है, हम उस शिक्षित वर्ग में आ चुके हैं कि हम 4 लोगों की जरूरतों को पूरा कर सकें। तो ऐसे कोई भी मामला अगर आता है तो नारी के सम्मान में कोई कमी ना रहे,
जिस घर में भी नारी का सम्मान नहीं होता, नारी की सेवा नहीं होती है, उस घर में ना लक्ष्मी का वास होता है, ना कभी कोई संस्कार आ पाते हैं। मैं यहाँ मैडम बैठ के मैं भी बहुत स्वागत करूंगी और ये बच्चों को संस्कार संबंधित कार्य सेवा भारती के माध्यम से करके मेरे क्षेत्र में भी किया था इन्होंने और आज तक मैं शिकायत नहीं करी कि आप नहीं कर रही है। तो देखिए बच्चे हमारे भविष्य हैं। आजकल मैं देखती हूँ कि कहीं भी क्योंकि मोबाइल है, जियो आ गया है, नेट भी फ्री का हो गया है, तो व्हाट्सएप फेसबुक पे इतना आदमी व्यस्त हो गया है कि बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे। तो मैं यहाँ कह रहा हूँ शिक्षित वर्ग से हैं तो मैं कहती हूँ कि संस्कार देने का काम सेवा भारती की एक अपनी पूरी एक यूनिट है जो काम कर रही है। कोई भी यूनिट तभी सफल है जब उसको जन समर्थन भी मिले।